हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बन हेयर स्टाइल, कि आप क्विकली बन कैसे बना सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज बन हेयर स्टाइल शेयर कीजिए जो बहुत ही ईजी हो और जिसे बहुत ही कम समय में बनाया जा सके। और दोस्तों, आज की वीडियो उन गर्ल्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी जिनके बाल बहुत ही पतले हैं और वो अपने बन को थोड़ा मोटा दिखाना चाहते हैं, फ्लफी दिखाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपसे यही शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि आप अपने बेबी हेयर्स को कैसे सेट कर सकते हो, कैसे हाइड कर सकते हो उन्हें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लूँगी। इस बन हेयर स्टाइल की खास बात ये भी है दोस्तों कि आपको इसके लिए कोई भी बैक कॉम्बिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मैं बैक कॉम्बिंग करती हूँ तो मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, सुलझते नहीं आसानी से, इसलिए आपको बैक कॉम्बिंग नहीं करनी है। इसके बाद मैं एक हाई पोनीटेल बना लूँगी और आपको इसके लिए चाहिए 2 मोटे रबड़ बैंड। मैं एक रबड़ बैंड से इस तरीके से पोनीटेल बना लूँगी और दूसरे को भी मैं इस तरीके से इसके ऊपर ही लगा लूँगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये देखिए, आप चाहें तो दोनों रबड़ बैंड सेम कलर के ले लीजिए, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने अलग अलग कलर के लिए हैं। आपके पास जो भी रबड़ बैंड हो वो आप ले लीजिए सेम कलर में। अब मैं यहाँ पर अपने बालों को ट्विस्ट कर रही हूँ। और इस तरीके से मैंने क्लचर लगा लिया है दोस्तों। मेरे पास इस वक्त यही क्लचर था, आप चाहें तो छोटा ब्लैक कलर का क्लचर भी लगा सकते हो, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ये क्लचर लगाया। तो ये देखिए, मेरा बन रेडी है। अब मैं थोड़ा सा इसे बस इस तरीके से पुल कर लूँगी ताकि जो मेरा जूड़ा है वो और ज़्यादा मोटा दिखे। इसके बाद मैं टिक टैक पिन से अपने छोटे हेयर्स को पिनअप कर लूँगी इस तरीके से। और गर्दन के पीछे जो बाल होते हैं ना, छोटे छोटे स्मॉल बेबी हेयर्स जो होते हैं, इस तरीके से उसे ले लीजिए ट्विस्ट करते हुए। और मैं यहाँ पर भी इसे पिनअप कर लूँगी कुछ इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इसके लिए दोस्तों, आपको कोई भी डोनट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जो डोनट वगैरह डालते हैं उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है इस हेयर स्टाइल में। आप देख सकते हो मेरा जूड़ा जो है कितना मोटा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर मस्कारा लूँगी। मैं यहाँ पर पर्पल का मस्कारा ले रही हूँ। आपके पास जो भी मस्कारा हो वो ले लीजिए, उसका एप्लीकेटर आपने लेना है, मस्कारा नहीं लेना है। और इस तरीके से मस्कारा एप्लीकेटर की हेल्प से आप अपने बेबी हेयर्स को इस तरीके से कॉम कर लीजिए। मेरे बेबी हेयर भी सेट हो गए हैं अच्छे से, कहीं नहीं हिलने वाले हैं, अब जाने वाले हैं ये बाल। और बहुत ही क्विकली बन जाएगा गाइस ये हेयर स्टाइल। प्लीज़ आपने अगर से ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, मेरा बन जो है रेडी है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो इस तरीके से क्विकली आप इस बन हेयर स्टाइल को बना सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना बन बना लिया है और आप देख सकते हो मेरे बाल भी कोई बहुत ज़्यादा घने या मोटे नहीं है, पतले बाल है मेरे भी। और इस तरीके से आप अपने बालों को फ्लफी दिखा सकते हो, बन को मोटा दिखा सकते हो। ये देखिए कितना हैवी बन लग रहा है, आप देख सकते हो। और आपने देखा, बेबी हेयर भी आप आसानी से इस तरीके से कवर कर सकते हो मस्कारा की हेल्प से। तो जिनके बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं, बार बार फोरहेड पर आ जाते हैं, इरिटेट करते हैं, तो इस तरीके से अपने बेबी हेयर को कवर कर सकते हो, इस तरीके से हाइड कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपके लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और MX अकाटक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।